Hello students, good evening to all and welcome in my new video. And this video is for those students who are preparing for the IPM exam. I know most of the students are waiting for the IIM Indore notification. So IIM Indore finally has released the notification for the IPM batch 2022-27. So in this video, I will discuss all the important things which is mentioned in the official notification. So maine pura official notification ko acche se read karke usko summarize kiya hai, uske points ko yahan pe leke aayu. To so please aapko ye pura video end tak dekh ना है, देन आप कोई भी मिस्टेक नहीं करोगे. आपको सारी जो इन्फॉर्मेशन है मैं यहाँ पे इस वीडियो में आपको प्रोवाइड कराने वाली हूँ. सो इफ यू आर न्यू एट दिस चैनल, सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड यू विल गेट द न्यू वीडियोस फॉर द आईपीएम प्रोग्राम, सम फ्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एंड देन आई विल अपलोड अ फॉर्म डेमो फॉर्म फिलिंग सेशन. ओके, एंड अगर आपको वीडियो एंड में जाके पूरा अच्छा लगता है देन आप इसको लाइक भी कर सकते हो. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. एंड अगर हम लोग स्टार्ट करें, सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है स्टूडेंट्स के माइंड में, दैट इज व्हाट इज इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. तो इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे पहले बच्चे एज, तो अगर हम एज की बात करें, इफ यू बिलोंग फॉर द जनरल और ओबीसी कैटेगरी देन आपका जो एज है इट विल कैलकुलेट फ्रॉम द 1 अगस्त 2002. मींस आप 2002 के बाद के, मतलब 1 अगस्त 2002 के बाद आपका बोर्न होना चाहिए. बट इफ यू बिलोंग फ्रॉम द एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी देन आपका जो एज कैलकुलेशन होगा इट विल फ्रॉम द 1 अगस्त 1997. तो एज क्राइटेरिया. सेकेंड इज क्वालिफिकेशन, क्वालिफाइंग एग्जाम. बट ऑब्वियस है क्वालिफाइंग एग्जाम के लिए या तो आप 12th बोर्ड आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए, या फिर अगर आप इस साल अपियर कर रहे हो तो भी आप एलिजिबल हो इस एग्जाम को देने के लिए, या फिर अगर आप 10th के बाद डिप्लोमा करते हो देन यू ऑल्सो एलिजिबल फॉर दिस एग्जाम, राइट. तो यहाँ पे आपके पास अगर आपने 2022-2021 या फिर 2022 में आप अपियर हो रहे हो, तीनों ही साल के बच्चे इस एग्जाम के लिए क्वालिफाई है. 2020 से पहले अगर आपने एग्जाम दिया है, अगर आपने 12th पास कर लिया, देन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर IIM Indore फॉर द IPM प्रोग्राम. थर्ड इज मिनिमम परसेंटेज. मिनिमम परसेंटेज अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 60% आने चाहिए, ठीक है. और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो लाइक एससी एसटी पीडब्ल्यूडी, आपके 55% स्कोर होना चाहिए. तो ये तीन फर्स्ट पैरामीटर, एज, क्वालिफाइंग एग्जाम एंड थर्ड इज मिनिमम परसेंटेज. अगर हम लोग आगे बात करें एप्लीकेशन प्रोसीजर, तो एप्लीकेशन आपका फॉर्म फिलिंग जो सेशन है इट स्टार्ट फ्रॉम द 12th of April एंड लास्ट डेट इज 21 मई. तो आप 12th अप्रैल से अपना फॉर्म फिलिंग स्टार्ट कर सकते हो. मैंने आपसे बोला आई विल अपलोड अ वीडियो ऑन द डेमो फॉर्म फिलिंग, तो आप उसको एक बार अच्छे से देख लेना. बिकॉज जो फॉर्म फिल की फीस है दैट इज 4,130 रुपीज फॉर द जनरल कैटेगरी एंड 2,065 रुपीज फॉर द एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी. तो आपको फॉर्म बहुत अच्छे से फिल करना है. अगर आपको कोई भी क्वेरी आती है तो आप मुझे मेल कर सकते हो ऑन द growtogether60@gmail.com, या फिर आप मुझे इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो. बट आप फॉर्म को बहुत अच्छे से फिल करना, राइट, ठीक है. तो 12th अप्रैल से लेके 21 मई तक आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो. दिस आर द एप्लीकेशन फी. जो आपका एग्जाम होने वाला है ये एग्जाम होगा आपका 2nd of July मॉर्निंग से 10 to 12 में, ठीक है. तो आपकी डेट आ चुकी है, आप उसी अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से करिए. आई नो आपके बोर्ड के एग्जाम्स चल रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपको पैरेलली इस पे भी मैनेज करना है. जो बच्चे जैसे इनटेक जो है IIM Indore में फॉर द डोमेस्टिक एप्लीकेंट्स इज अ 150, राइट. तो अगर हम लोगों ने एप्लीकेशन प्रोसेसर देख लिया, नाउ व्हाट आर द एग्जाम पैटर्न. तो एग्जाम पैटर्न में आपके पास तीन सेक्शन है, दो सेक्शन है आपके पास क्यूए के, वन इज एमसीक्यू एंड सेकेंड इज शॉर्ट आंसर्स, एंड तीसरा सेक्शन है आपके पास वर्बल एबिलिटी एमसीक्यू. तो क्यूए में आपके पास दो सेक्शन है, आप यहाँ पे देख सकते हो. एमसीक्यू में दे विल आस्क द 40 questions एंड शॉर्ट आंसर्स में 20 questions, वर्बल एबिलिटी में 40 questions. तो टोटल आपके पास 100 questions है. इंडिविजुअल सेक्शन के लिए जो टाइम लिमिट है इट्स 40 मिनट्स, दैट मीन्स 120 मिनट. तो ये एग्जाम आपका 2 आवर्स का एग्जाम है, ठीक है. यहाँ पे आपके करेक्ट फॉर द करेक्ट आंसर +4 होगा एंड फॉर द रॉन्ग आंसर -1. तो 100 question + 4 दैट मीन्स ये आपका 400 marks का एग्जाम पेपर रहेगा, राइट. शॉर्ट आंसर्स में निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप सारे क्वेश्चंस में रिस्क ले सकते हो अगर आपके पास टाइम है. बट आपको बहुत बहुत अच्छे से अपने एग्जाम के लिए स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी कि कौन सा सेक्शन और कितने क्वेश्चंस, या फिर राउंड सिलेक्शन मुझे कैसे करना है. आई विल मेक अ वीडियो ऑन हाउ टू अटेम्प्ट या हाउ यू शुड अप्रोच द IPM एग्जाम, राइट. तो दिस इज द एग्जाम पैटर्न. उन्होंने बच्चे जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिया हुआ है कंप्यूटेशन ऑफ द एप्टीट्यूड टेस्ट स्कोर, कि टेस्ट स्कोर को वो कितना वेटेज देंगे,
अगर आप यहाँ पे देखो क्वांटिटेटिव एबिलिटी जो है एमसीक्यू सेक्शन में स्कोर का वेट रहेगा, यहाँ पे 25 इंटू कैंडिडेट का स्कोर कितना है माइनस मिनिमम स्कोर डिवाइड बाय मैक्सिमम स्कोर माइनस मिनिमम स्कोर। सेम केस आपका यहाँ पे शॉर्ट आंसर्स में, और वर्बल एबिलिटी में इट्स 50 इंटू। तो आप ये नहीं सोचोगे कि तीन सेक्शन है तो तीनों सेक्शन का इंडिविजुअल वेटेज, मतलब तीनों का वेटेज इक्वल है। यहाँ पे क्वांट में दोनों सेक्शन को मिला के इट्स 50% वेटेज है, और यहाँ पे आपके पास वर्बल एबिलिटी में 50% है, राइट? तो ऐसा नहीं है कि आपके पास 100 में से ओनली 40 क्वेश्चंस हैं वर्बल एबिलिटी, तो 40 के अकॉर्डिंग आपके मार्क्स होंगे। नो, इट्स 50 इनटू कैंडिडेट स्कोर माइनस मिनिमम स्कोर डिवाइड बाय मैक्सिमम स्कोर माइनस मिनिमम स्कोर। सो आई कैन से कि क्वांट और वर्बल एबिलिटी का आपका इक्वल इंपॉर्टेंस है, आपको दोनों पे ही यहाँ पे अच्छे से स्टडी करना है। तो ये हो जाएगा एप्टीट्यूड टेस्ट स्कोर, वो कैसे कंप्यूटेशन करा है इन लोगों ने, मतलब करने वाले हैं। नेक्स्ट इज सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस आपका दो चीजों पर डिपेंड करेगा, वन इज एप्टीट्यूड का स्कोर कितना है आपका, एंड सेकंड इज पर्सनल इंटरव्यू। तो एप्टीट्यूड के स्कोर को वेटेज दिया जाएगा 65% एंड पर्सनल इंटरव्यू को वेटेज दिया जाएगा 35%। तो टोटल हो जाएगा आपके पास यहाँ पे 100%। सो दिस इज द मार्किंग स्कीम, दिस इज द मतलब सिलेक्शन स्कीम फॉर द मतलब टू कैलकुलेट द कंपोजिट स्कोर। तो गाइज, दीज आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट फॉर द आईपीएम एग्जाम्स। तो आप अच्छे से अपने एग्जाम्स को प्रिपेयर करो, ठीक है? और मैं यहाँ पे एक वीडियो बनाने वाली हूँ कि आपको फॉर्म फिल कैसे करना है, एंड देन आपको अपनी प्रिपरेशन को कैसे स्टार्ट करना है, राइट? सो थैंक यू सो मच गाइज, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। सो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।